पॉलिटिशियन नितिन गडकरी को कौन नहीं जाता, लेकिन रिसेंटली नितिन गडकरी ने एक शॉकिंग न्यूज़ बताई है। नितिन गडकरी ने बताया कि जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे ये 2024 में, जिसको बीजेपी ने जीता था, उस इलेक्शन से पहले उनको अपोजिशन पार्टी ने अप्रोच किया था, और अप्रोच करने के बाद उन्होंने ये कहा था कि अगर आप हमारी पार्टी ज्वाइन करते हो और अगर पार्टी जीतती है तो हम आपको पीएम की पोस्ट ऑफर करेंगे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। इतनी बड़ी पोस्ट ऑफर होने के बाद भी नितिन गडकरी ने जो रिप्लाई दिया वो बहुत ही गजब का था। नितिन गडकरी ने बताया कि मैं किसी भी पोस्ट के लिए मेरी जो लॉयल्टी है, जो कन्विक्शन है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं मेरी पोस्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, भले आप मुझे प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी दो, वो मेरा एम नहीं है। जिसके चलते उन्होंने साफ मना कर दिया। और अपोजिशन पार्टी बोले तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी की अपोजिशन में दो ही मेन पार्टी, एक आप और एक कांग्रेस, तो आप समझ ही चुके होंगे कि किन्होंने इनको अप्रोच किया। नितिन गडकरी बीजेपी की पार्टी से हैट्रिक लगा चुके हैं, 3 बार वो जीत चुके हैं, और आज की डेट में वो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑफ इंडिया हैं। रोड से रिलेटेड सारे काम काज नितिन गडकरी ही देखते हैं। इवन उन्होंने कहा है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं, मैं 1,00,000 करोड़ का भी रोड बना रहा हूँ। तो इस टाइप से वो वर्क करते हैं। कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग उनको नहीं पसंद करते, वो लोगों की राय है। लेकिन इन्होंने जो लॉयल्टी दिखाई है बीजेपी के लिए, उसके लिए लोग बाग इनको थोड़ा और पसंद करने लग गए हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताना, और इस टाइप की सेलिब्रिटी न्यूज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।